केंद्र सरकार और ट्विटर में छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में लगातार कोई ना कोई मतभेद दोनों के बीच आ ही जा रहे हैं। हालांकि अब की बार मामला कोर्ट का है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने मंगलवार को माना कि उसने नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है। इस पर हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए अब स्वतंत्र है। वहीं आईटी रूल्स लागू होने के बाद भी अब तक शिकायती अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या ट्विटर नियमों की अवहेलना कर रहा है, तो इस पर केंद्र ने कहा कि जी हाँ, निश्चित तौर पर। इसके बाद ट्विटर की ओर से पेश वकील ने माना कि हमने नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर 3 महीने की मोहलत गलती सुधारने के लिए ट्विटर इंडिया को दी गई थी, लेकिन 1.5 महीने बाद भी जब ट्विटर ने सुधरने की दिशा में कोई पहल नहीं की तो हमें कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। वहीं हाई कोर्ट ने ट्विटर से कहा कि आपने कोर्ट को गलत जानकारी दी है, उनके इस्तीफे के बाद आप कम से कम किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते थे। इस पर ट्विटर इंडिया ने कहा कि हम नए अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पटकार लगाते हुए कहा कि ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहे ले सकता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके आगे हाई कोर्ट ने कहा कि अब हम ट्विटर को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, क्योंकि ट्विटर को भारत में अगर अपना काम करना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसा बर्ताव करना होगा। हालांकि हाई कोर्ट की पटकार और केंद्र सरकार के रुख के बाद ट्विटर थोड़ा नरम पड़ा और अपना जवाब देने के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। ट्विटर ने दलील दी है कि दिल्ली और सैन फ्रांसिस्को के टाइम जोन में अंतर है, इसीलिए हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 दिन का वक्त चाहिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से ट्विटर इंडिया और सरकार के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस दौरान ट्विटर ने कई बार बड़ी गलतियां की हैं। वहीं ट्विटर के खिलाफ देश के कई जगहों पर FIR भी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नमन सत्य न्यूज़।